हेलो दोस्तों, मैं अविनाश सिंह आपका टेक गुरु लेकर आया हूँ नॉलेज से भरपूर एक और वीडियो आपके लिए। दोस्तों, अगर कभी आपको इस तरीके की एक्सेल शीट मिलती है और इस पे आपको टोटल करना हो, तो आप अगर इसे पूरा नॉर्मल तरीके से जो सम करते हैं, इसे अगर अल्ट के साथ प्लस लगा के अगर सम करेंगे तो ये सम नहीं होगा। या आप यहाँ पर अगर फार्मूला लगाते हैं सम और पूरी ये रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं, सम की एंटर करते हैं तो ये देखिए जीरो आएगा। तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस वीडियो में सीखेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि यहाँ जो ये वैल्यूज लिखी हैं ये नंबर नहीं है, टेक्स्ट है। कैसे, इसको ज़रा एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर हमने यहाँ पे लिखा हेलो, तो ये देखिए इस सेल में लेफ्ट हैंड साइड से अटैच है, लेकिन अगर हमने लिखा 56 तो ये देखिए राइट हैंड साइड पर आ रहा है। यानी कि ये नंबर नहीं है, इन्हें सबसे पहले हमें नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, प्लस ये केजी हटाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फार्मूला लगाएंगे। सम तो हमें करना है, सम किसका करना है, इसका जो ये ऊपर नंबर दिए हैं इनका सम करना है। तो इसके लिए यहाँ पे एक फार्मूला और लगेगा, सब्स्टिट्यूट, यानी कि फार्मूला के अंदर फार्मूला, नेस्टेड फार्मूला का यूज यहाँ करेंगे। अब टेक्स्ट कौन सा टेक्स्ट है, तो इस पूरे एरे को हम यहाँ पे ले लेंगे, कॉमा लगाएंगे। यहाँ से रिमूव किसको करना है, तो हमें डबल क्वेट्स में लिखेंगे के जी, इसको हमें रिमूव करना है। उसके लिए क्या लाना है, कुछ नहीं लाना है, और इसे बंद करेंगे। अब ये हुआ टेक्स्ट, क्योंकि सब्स्टिट्यूट एक टेक्स्ट को रिटर्न करता है, तो हमको इसको बनाना है नंबर, तो इसमें हम प्लस जीरो कर देंगे, इससे ये नंबर बन जाएगा। अब इसे हम यहाँ पे बंद करेंगे। इस फार्मूला में हमने ये B2 से B6 वाला, ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये एक एरे है। तो इसके लिए फार्मूले को हम डायरेक्ट एंटर नहीं करेंगे, हमें करना पड़ेगा कंट्रोल शिफ्ट एंटर। अब जैसे कंट्रोल शिफ्ट एंटर करेंगे तो आपको देखिए यहाँ पे इसका टोटल मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नॉलेजफुल फैक्ट्स के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भारत।